Bismillahirrahmanirrahim, chapter number 6, Classical Mechanics from the platform of Quanta Publisher. Today we are going to discuss about Hamilton's equation of motion. इस चैप्टर में हम हैमिल्टन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द हैमिल्टन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टन एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टन एंड वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हैमिल्टोनियन इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इसकी फंडामेंटल की बात करेंगे। जैसे कि हमने जब लैग्रांज पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था लैग्रांज डिपेंड अपॉन द जनरलाइज्ड फोर्स। तो इसी तरह से जो हैमिल्टन है दैट इज अ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिपेंड अपॉन द मोमेंटम, दैट मोमेंटम इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल मोमेंटम को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से रिलेवेंट है विद द हैमिल्टन एज वेल एज लैग्रांज इक्वेशन। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये हमारे पास मोमेंटम का रिलेशन होता है हम इसको ड्राइव करेंगे कि क्या रिलेशन आई, क्योंकि मोमेंटम जो है वो बेसिकली क्यू क्यू डॉट और टी इस पर डिपेंड करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जानते हैं लैग्रांज को यूज करते हैं। लैग्रांज का हमारे पास रिलेशन होता है इक्वल टू टी माइनस वी। तो ये जो T आपके पास दैट इज डिफाइन एज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर और V का मतलब होता है हाफ एम एक्स डॉट स्केयर, हाफ एम वाई डॉट स्केयर, हाफ एम जेड डॉट स्केयर। और पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह से होता है एम जी एच या एम जी एक्स लिख लें या एम जी वाई लिख लें या एम जी जेड। तो फर्ज करें हमारी पोजिशन अगर लॉन्ग जेड एक्सिस है तो हाइट एच की जगह हम क्या लिख लेंगे जेड। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें किसी के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इक्वेशन को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसको पहले देखें दिस वन। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, यानी पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट आ जाएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये भी जीरो आ जाएगी, ये भी जीरो आ जाएगी और ये भी जीरो। तो ये टू नीचे आ जाएगा पावर पावर में से कम, तो टू से टू आप कैंसिल कर देंगे। तो टू से टू जब कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा एम एक्स डॉट, एंड एम एक्स डॉट मीन mv, क्योंकि x dot is a velocity along x-axis and this is equal to momentum, this is called px. Similarly, अगर आप इसी equation को, ये जो equation लग रहा है, इसको differentiate करेंगे with respect to y-axis, तो यहाँ पर आ जाएगा py। और इसी equation को जब differentiate करेंगे with respect to z dot, तो ये आ जाएगा pz। तो ये आपके पास तीन relation आ जाएंगे, px जिसको हम p1 का नाम दे देंगे, mx dot, py जिसको p2 का नाम दे देंगे, my dot यानी सेकंड कोऑर्डिनेट और pz फॉर p3 फॉर थर्ड कोऑर्डिनेट। तो अगर आप इसको इन जनरल लिखेंगे तो इन जनरल ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी कि जहां पर x था, x डॉट था, y डॉट था या z डॉट था, तो वहां पर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। दिस वन देखेंगे, ये आप देखें ये जो x डॉट है, y डॉट है, z डॉट है, इसको रिप्लेस कर देंगे q डॉट से, दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो जो हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम, तो इसको आप मैथमेटिकली ऐसे ड्राइव भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम इसमें ये देखेंगे कि व्हाट इज हैमिल्टन्स इक्वेशंस एंड हैमिल्टोनियंस। इसमें हमने दो चीज एक्सप्लेन कर दी। सेकंड सेक्शन में जाकर हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टन्स इक्वेशंस एंड डेरिवेशन ऑफ द हैमिल्टन्स इक्वेशंस। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज हैमिल्टोनियन या हैमिल्टन एच। ये बेसिकली आपके पास एनर्जी ऑपरेटर है जिसको हम डिफाइन करते हैं h इज इक्वल टू t प्लस v। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो है वो बेसिकली आपके पास रीस्टेटमेंट है लैग्रांज इक्वेशन की। तो अगर हम इसमें डिफरेंशिएट करें तो लैग्रांज जो था वो डिपेंड अपॉन द फोर्स बट हैमिल्टन्स एम्फसाइजेस द मोमेंटम। तो ये थोड़ा सा फर्क है, यानी ये दोनों बेसिकली एनर्जी इक्वेशंस को जाहिर करती हैं। लैग्रांज ऑन द बिहाफ ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स था और ये बिहाफ ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम या मोमेंटा। तो इसमें दीज टू आर कॉल्ड हैमिल्टन इक्वेशन। नेक्स्ट सेक्शन में इनको हम ड्राइव करेंगे कि क्यू आई डॉट इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई एंड पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। इन और इन्हीं को लेकर फिर आगे हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इसमें याद रखेगा ये जो क्यू आई डॉट है दिस इज कॉल्ड जनरलाइज वेलोसिटी, पी आई डॉट इज कॉल्ड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फोर्स। या अगर पी आई की जनरल बात करें तो पी आई सिंपली जनरलाइज्ड मोमेंटम। हमने पढ़ा था ना रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स,
तो यहाँ पर पी आई डॉट का मतलब है ये आपके पास जनरलाइज्ड फोर्स और टाइम डेरिवेटिव ऑफ द जनरलाइज्ड मोमेंटम। एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ एच। एच को हम प्रूव करना चाहते हैं कि हाउ एच इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जो हैमिल्टन है ये हैमिल्टोनियन है, दैट डिपेंड अपॉन क्यू पी एंड टी, और लैग्रैंज डिपेंड करता क्यू क्यू डॉट एंड टी। तो इसको अगर आप फिजिकली देखें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारे पास क्या रिलेशन होता है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम है फिजिकल टू माइनस डेल्टा, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो लैग्रैंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर क्या होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आएगा जीरो। यानी दूसरे लफ्जों में अगर हम लैग्रैंज को डिफरेंशिएट करें dl ओवर dt, तो ये पहले विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल चेन रूल लगाएंगे, फिर dq1 ओवर dt, इसी तरह से फिर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल q2, फिर dq2 ओवर dt, इसी तरह से 3 4 एंड सो ऑन। फिर आप सेकंड में आ जाएंगे q1 डॉट के लिए पार्शियल ओवर पार्शियल q1 डॉट dq1 डॉट ओवर dt, इसी तरह 2 के लिए 3 के लिए एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल t, ठीक, क्योंकि लैग्रैंज कांस्टेंट है टाइम के लिहाज से तो आपके पास जीरो आ जाएगी। ये जो टर्म है तमाम यानी विदाउट डॉट वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम में अगर आप देखें एक सीक्वेंस है, यानी अगर आप शुरू में सिग्मा लगा दें तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डी क्यू आई ओवर डी टी। इसी तरह ये जो डॉट वाली टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें अगर आप देखें पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट ओवर डी टी, तो दिस वन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू आई, तो ये बन जाएगा क्यू आई डॉट, तो पार्शियल और पार्शियल क्यू आई डॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ से हमारे पास जो लैग्रैंज का एक्सप्रेशन था इसको अगर नाम रख देते हैं क्वेश्चन 6.3, लैग्रैंज एक्सप्रेशन था डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई। अगर आप यहाँ से इस टर्म को उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं क्वेश्चन 6.3 में, तो ये आप देख सकते हैं पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई, यहाँ से उठाएं इस वैल्यू को और इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर आप पुट कर देंगे। अब आप देखें जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास टर्म के बजाय डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई क्यू आई डॉट। और इसको अगर आप देखें दिस इज अ प्रोडक्ट रूल, अगर मैं इसको ये फार्मूला ओपन किया और इसको क्लोज करें तो ये शक्ल बन जाएगी डी बाई डी टी क्यू आई डॉट पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दोबारा यही शक्ल आपके पास एज इट इज आ जाएगी, इसको ओपन करने से दोबारा आप इस तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। तो ये जो टर्म है इसका अगर आप यहाँ ले जाए दूसरी साइड पर माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद आप इनमें से डेरिवेटिव कॉमन ले लेंगे, डेरिवेटिव कॉमन लेने के बाद ये बचेगा सिग्मा आई क्यू आई डॉट पार्शियल लेवल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट माइनस एल, दिस इज अ जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है। तो इसके अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। फर्ज करें सारे को देखें इसका डेरिवेटिव आ रहा है जीरो, इसका किसी चीज का डेरिवेटिव जो जीरो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, लेट से वी कॉल एच एज अ कांस्टेंट, क्योंकि हम एच को नाम रख देते हैं कांस्टेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं एल को एज वेल एज एच को, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन एच की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से ये सिग्मा आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। अब हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो क्या आएगा जीरो, यानी एच अगेन क्या आ जाएगा कांस्टेंट। अब हम इसमें ये देखेंगे एच इज इक्वल टू टी प्लस वी कैसे आया, तो आप जानते हैं लैग्रैंज एल इज इक्वल टू टी माइनस वी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट इक्वल टू पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती जीरो, तो यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें टू टी आ जाएगा एम बाई क्यू आई डॉट, ठीक है। तो ये आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे क्वेश्चन 6.7 में, यहाँ पर ये क्यू आई डॉट और क्यू आई डॉट का स्केयर बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू टू टी, तो टू टी माइनस एल, ठीक है, और एल होता है आपके पास टी माइनस वी माइनस माइनस प्लस टू में से बन जाएगा वन, तो टी प्लस वी, तो एच आपके पास आ जाएगा टी प्लस वी, दैट इज कॉल्ड
टोटल एनर्जी ऑपरेटर।